Hello students, welcomes all of you Suraj Group of School. I am Parvind Kumar. Last class we discussed about the clock, gain and loss questions. Today we discuss the clock part 2, angle system. जैसे कि आपने कल क्लास में देखा था, क्लॉक के हमने गेन और लॉस क्वेश्चंस पे हमने डिस्कस किया था. आपको समझ में आया होगा, नहीं भी समझ में आया तो वो दोबारा से उसको अच्छे से समझा दिया जाएगा. आज हम डिस्कस करेंगे क्लॉक के पार्ट 2 एंगल सिस्टम के. अब एंगल समझिए, एंगल क्या होता है? किसी भी टू लाइंस के बीच में एंगल बनता है, कंफर्म है. अगर टू लाइंस बिल्कुल एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर हैं, तो उनके बीच में जीरो डिग्री है. अगर वो थोड़ा बहुत भी आगे पीछे हो जाती है तो उनके बीच में एक एंगल बन जाता है. तो वही एंगल हमारे क्लॉक में यूज होने जा रहे हैं. अब हम देखिए, हम क्लॉक जनरली देखते रहते हैं, वॉच देखते रहते, टाइम देखते रहते हैं. अब क्लॉक्स में जो अपना हैंड्स की बात अगर हम करें तो यहां पे थ्री एंड्स होते हैं, आवर एंड, मिनट हैंड एंड सेकेंड हैंड. जनरली जो क्वेश्चंस बनता है वो हमारा हावर हैंड एंड मिनट हैंड के बीच में बनता है. अब हावर हैंड मिनट हैंड देखिए, अब ये बिल्कुल एक दूसरे के अगर ऊपर हैं तो बिल्कुल कंफर्म है कि उनके बीच में जो एंगल बनेगा वो जीरो डिग्री बनेगा. अब देखिए, जैसे आपके वॉच में जब टाइम होता है 12 o'clock, तो आपने देखा होगा मिनट हैंड के ऊपर हावर हैंड बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर होते हैं. अब एक दूसरे के ऊपर हो तो उनके बीच में जीरो डिग्री का एंगल बनता है, समझ में आया. अब वो एंगल देखिए, जब बिल्कुल अब जैसे अब इस फरी क्लॉक में हमारा जो टाइमिंग आ रहा है वो कितना आ रहा है, हावर हैंड की अगर हम बात करें तो 3 और 4 के बीच में कंफर्म. मिनट हैंड की बात करें तो 7 पे. हम ओनली हावर हैंड एंड मिनट हैंड की बात करेंगे. अब देखिए, अब अपना जो यहाँ पे टाइम हुआ है 3 और 4 के बीच में, मिनट हैंड अपना 7 पे, 7 का मतलब 3:35. अब ये देखिए, हावर एंड ये है, मिनट हैंड ये, तो इनके बीच में ये वाला एंगल जो बना है, तो आपको ये पता करना है. तो उससे पहले देखिए, हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास क्लॉक पार्ट 2 एंगल सिस्टम के ऊपर. देखिए, तो सबसे पहले देखिए, एक वॉच में हम हावर हैंड की बात करते हैं, जैसे यहां पे 12 o'clock हमने मान लिया, हम हावर हैंड की बात कर रहे हैं. हावर हैंड कंप्लीट जब अपना वन राउंड कंप्लीट करता है, यहां से स्टार्ट करके वापस यहां पे आता है, तो उसको जो टाइमिंग लगता है कंप्लीट वन राउंड करने में, उसको 12 hour की जो टाइम लगता है, उस 12 hour के टाइम पीरियड में उसने कितने डिग्री एंगल कवर कर लिया, ये एंगल कितने डिग्री होता है कंप्लीट 360 degree. हावर हैंड 12 hour में कितने डिग्री टर्न करता है 360 degree. 1 hour में कितने डिग्री टर्न करेगा 360 by 12 = 30 degree. अब 1 hour में कितने मिनट होती है 60 minute. 60 minute में हावर हैंड ने कितने डिग्री टर्न किया 30 degree. 1 minute में कितना करेगा हाफ डिग्री, कितना करेगा हाफ डिग्री. यहां से क्वेश्चन अब अपना बनना स्टार्ट होता है. हावर हैंड मिनट 1 minute में कितने डिग्री टर्न करता है हाफ डिग्री, कितना करता है हाफ डिग्री. अब सेकंड मिनट हैंड की बात करते हैं, मिनट हैंड जब कंप्लीट यहां से अपना स्टार्ट करके अपना राउंड कंप्लीट करता है, कंप्लीट राउंड करने में उसको जो टाइम लगता है वो लगता है 60 minute = 1 hour, कितने डिग्री टर्न किया 360 degree. 1 minute में मिनट हैंड ने कितने डिग्री टर्न किया 360 by 60 = 6 degree. अब देखिए, मिनट हैंड 1 minute में कितने डिग्री टर्न कर रहा है 6 degree. हावर हैंड कितने डिग्री टर्न कर रहा है हाफ डिग्री. दोनों के बीच में अब यहां से एक अपना क्वेश्चन बन जाता है क्लॉक में कि 1 minute में दोनों हैंड्स के बीच में कितने डिग्री का डिफरेंस आएगा. तो कितने डिग्री का डिफरेंस आएगा, मिनट हैंड 1 minute में कितने डिग्री बना रहा है 6 degree एंड हावर हैंड 1 minute में कितनी डिग्री बना रहा है हाफ डिग्री. तो यहां पे जो एंगल का डिफरेंस आया वो कितना आएगा अपना
फाइव एंड हाफ डिग्री। अब लास्ट जो अपना सेकंड हैंड है उसको भी समझ लेते हैं। सेकंड हैंड कंप्लीट राउंड करने में जैसे मेरे हावर हैंड को कितना टाइम लगा, 12 आवर। मिनट हैंड को कितना टाइम लगा, 1 आवर। अब यहां पे सेकंड हैंड को कंप्लीट राउंड करने में कितना टाइम लगेगा, 1 मिनट। 1 मिनट में कितने डिग्री टर्न किया उसने, 360 डिग्री। 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड, 360 डिग्री। 1 सेकंड में सेकंड हैंड कितने डिग्री टर्न करता है, 360 बाई 60 इक्वल टू 6 डिग्री। समझ में आया? अब देखिए हैंड्स ऑफ क्लॉक मेक एन एंगल ऑफ एंगल इन 1 मिनट। हावर हैंड 1 मिनट में कितने डिग्री एंगल बनाता है, अभी बताया था आपको, हाफ डिग्री। मिनट हैंड 1 मिनट में कितने डिग्री बनाता है, 6 डिग्री। एंड सेकेंड हैंड 1 मिनट में कितने डिग्री बनाता है, 360 डिग्री। और सेकंड हैंड जो है 1 सेकंड में कितना बनाएगा, 6 डिग्री। अब बात करते हैं यहां पे क्वेश्चंस की, क्वेश्चंस कैसे आएंगे देखिए। अब यहां पे अपनी जो आज की क्लासेस हम मेनली डिस्कस करेंगे वो क्लॉक पे एंगल सिस्टम पे ही डिस्कस करेंगे। जैसे अब अपने यहां पे क्वेश्चंस बनता है, वो क्वेश्चंस क्या बनता है देखिए। A clock is started at noon. A clock is started at noon by 10 minutes past 5. The hour hand turned through. इसका मतलब देखिए, एक क्लॉक है कितने बजे स्टार्ट हुई है, एट नून। एट नून मीन्स 12 o'clock आफ्टरनून। और उसने क्या पूछा, बाय 10 minutes past 5 द हावर हैंड टर्न थ्रू। क्लॉक कितने बजे स्टार्ट हुई है, 12 o'clock भी स्टार्ट हुई है। वहां से अपने को बताना है कि 10 minutes past 5 का मतलब होता है 5:10। पांच बजकर 10 मिनट तक, 10 minutes past 5 तक हावर हैंड ने कितने डिग्री टर्न किया है वो अपने को अब यहां पे बताना है। तो देखिए अब अपने इसको और अच्छे से समझिए। ये क्लॉक यहां पे जैसे 12 o'clock पे वो स्टार्ट हुई है, ठीक है। हावर हैंड ने कितने डिग्री टर्न किया है वो अपने को पता करना है। टाइम क्या है, 10 minutes past 5। 10 minutes past 5 का मतलब क्या होता है कि जब हम 12 से हम अपने हावर हैंड को स्टार्ट किया और ये 4 और ये 5 यहां तक अगर आया है तो 5 पे तो हो गई होगा, ये यहां से टर्न होके यहां पे आया। अब देखिए 1 आवर में हावर हैंड कितने डिग्री टर्न करता है, अभी आपको बताया था 1 आवर में 30 डिग्री करता है। तो यहां से लेकर यहां तक का जो टाइम पीरियड है कितने टाइम, कितने आवर का है, 12 to 5 तक 5 आवर का है। तो 1 आवर में 30 डिग्री, 5 आवर में 150 डिग्री, यहां तक समझ में आया। अब देखिए उसने क्या कहा कि 10 मिनट और हैं, 5 o'clock तक तो जो एंगल बना है अपना यहां से लेकर यहां तक वो 150 डिग्री बना है, लेकिन अपनी जो मिनट है वो भी तो आगे गई है 10 मिनट। अब 10 मिनट अगर आगे गई है तो हावर एंड थोड़ा सा आगे जाएगा, कंफर्म है यहां तक, ये हावर एंड थोड़ा सा आगे जाएगा। वो किसकी वजह से आगे गए, इस मिनट हैंड की वजह से गए। अब मिनट हैंड में अपना कितने डिग्री बनाता है, हाफ डिग्री। तो 10 मिनट में कितना बनाएगा, 5 डिग्री कितना बनाएगा, टोटल जो एंगल उसने कवर किया है वो कितना किया है, 155 डिग्री। अब देखिए करेंगे कैसे इसको जल्दी से, देखिए 12 to 5:10 तक टोटल टाइम ड्यूरेशन जो यहां पे हुई है वो 5 hours 10 minutes हुई है। अब 5 आवर में कितने डिग्री टर्न करता है, 30 डिग्री। 10 मिनट में कितना करता है, हाफ डिग्री, 150 प्लस 5 155 डिग्री।
एक नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अभी यहां पे, जैसे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है ए क्लॉक शो 8 o'clock इन द मॉर्निंग थ्रू हाउ मेनी डिग्री how many degree will the hour hand rotate when the clock so टू ओ क्लॉक इन द आफ्टरनून। देखिए क्लॉक में क्या टाइम सो रहा था, 8 o'clock मॉर्निंग, ठीक है। हाउ मेनी डिग्री विल द हावर हैंड रोटेट वेन द क्लॉक सो 2 o'clock इन द आफ्टरनून। देखिए अब 8 o'clock 8 AM टू 2 PM तक अगर हम टोटल हावर्स की बात करें तो कितने हावर्स का डिफरेंस आ रहा है 8 AM टू 2 PM तक, 6 hour का, कितने का रहा है। 1 hour में hour एंड कितने डिग्री टर्न करता है, 30 degree, तो 6 hour कितना करेगा 180 degree, तो इसका आंसर क्या जाएगा 180 degree। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन पे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन रहेगा, देखिए टाइप टू टाइप आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं, इन्हीं टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे फाइनल एग्जाम में। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी डिग्री द मिनट हैंड, हाउ मेनी डिग्री विल द मिनट हैंड मूव इन द सेम टाइम इन विच द सेकेंड हैंड मूव 5400 degree। देखिए क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी डिग्री द मिनट हैंड मूव, मिनट हैंड डिग्री कितने डिग्री मूव करेगा इन द सेम टाइम, उसी टाइम में जितने टाइम में सेकंड हैंड ने कितने डिग्री टर्न किया है 5400 degree एंगल। अब देखिए मिनट हैंड की अगर हम सेकंड हैंड की बात करते हैं तो सेकंड हैंड 1 मिनट में कितने डिग्री टर्न करता है 360 degree टर्न करता है, उसने टर्न कितना किया है 5400 degree। तो अपने को अब यहां पे ये पता करना है कि सेकंड हैंड 5400 degree कितने टाइम में रोटेट करेगा, उसी टाइम में फिर अपना क्या पता कर लेंगे मिनट हैंड का। तो हम पता करते हैं 360 degree टर्न करने में उसको कितना टाइम लगता है 1 मिनट, 1 degree टर्न करने में उसको कितना टाइम लगेगा 1/360 degree मिनट, तो टर्न कितना करवाना उसको 5400, तो 1/360 इंटू 5400 से 0, ठीक है। तो कितने मिनट आ गए यहां पे 15 मिनट। तो 5400 degree टर्न करने में सेकंड हैंड को कितना टाइम लगेगा 15 मिनट का टाइम लगेगा। अब मिनट हैंड 1 मिनट में कितने डिग्री टर्न करता है 6 degree अभी बताया था, तो 15 मिनट में कितने डिग्री टर्न करेगा 6 × 15 = 90 degree, कितने डिग्री टर्न करेगा। दोबारा समझिए इस क्वेश्चन को, आपसे ये पूछा है मिनट हैंड कितने डिग्री रोटेट करेगा टर्न करेगा उसी टाइम में जितने टाइम में सेकंड हैंड ने 5400 degree टर्न किया है। अब हमें पता है कि सेकंड हैंड 1 मिनट में कितने डिग्री टर्न करता है 360 degree, तो 360 degree 1 मिनट में कवर करता है, तो 5400 degree उसने कितने मिनट में कवर किया 15 मिनट में कवर किया। अब देखिए 15 मिनट में आपसे पूछा क्या है कि 15 मिनट में मिनट हैंड कितने डिग्री टर्न करेगा, 1 मिनट और 6 degree,
15 मिनट कवर करने में उसको कितना टाइम लगेगा, 15 मिनट कवर करने में उसको कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री, कितने डिग्री टर्न करेगा वो, 90 डिग्री। आगे देखिए, अब इसी क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहां पे उसने 4800 डिग्री दे दिया, क्वेश्चन सेम है, तो 1 मिनट कवर करने में उसको कितना, सॉरी 1 मिनट में कितने डिग्री टर्न करता है, सेकंड हैंड 360 डिग्री, करवाना कितना अपने को 4800, तो कैसे करेंगे, 1/360 × 4800 80/6 मिनट। अब 1 मिनट में कितने डिग्री टर्न करता है, 6 डिग्री, तो 80/6 मिनट में कितना करेगा, 6 × 80/6 से 6 कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा, 80 डिग्री, आंसर क्या आ जाएगा, 80 डिग्री। समझ में आया तक? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं एंगल सिस्टम पे, यहां तक आपको समझ में आया होगा अच्छे से। देखिए अब आपसे पूछा है एट व्हाट टाइम बिटवीन, या सॉरी एट व्हाट इज द एंगल, एंगल मेड बाय द आवर हैंड एंड मिनट हैंड इफ द क्लॉक शो 9:15 PM। अब देखिए इस नेक्स्ट टाइप पे हम बात करते हैं, अब आपसे पूछा है उसने कि एट व्हाट इज द एंगल मेड बाय द आवर हैंड एंड मिनट हैंड इफ द क्लॉक शो 9:15 PM। अगर वॉच में अपना जो टाइम शो हो रहा है 9:15 PM हो रहा है, तो दोनों एंगल्स के बीच में आपसे क्या पूछा है कि एंगल कितने डिग्री का बनेगा। अब देखिए, अब जनरली इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 60h − 11m/2। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 30h − 11m/, हमने एलसीएम लेके इस फॉर्म में लिया है, लेकिन अपने को फॉर्मूला यूज नहीं करना है। चलो एक बार फॉर्मूले से क्वेश्चन करके दिखा देते हैं। 60 ये आवर होता है, ये मिनट होता है, कितना पता ही है। यहां पे 9 − 11m की जगह 15/2, 69 × 540 − 165/2, डिफरेंस किया तो कितना आ गया, 10 − 5 = 5, 7, 2 × 8 = 187.5 डिग्री। तो दोनों एंगल्स के बीच में, दोनों हैंड्स के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 187.5 डिग्री का बनेगा। अब देखिए एक बार हम इस टाइम को वॉच में शो करते हैं, देखिए फिफ्टीन मिनट बोला है, 3, 6, 9, 12। अब आपको पता है कि 9 o'clock पे आवर हैंड 9 पे होता है, मिनट हैंड 12 पे होता है, लेकिन अब यहां पे मिनट हैंड 3 पे आया है, मींस 15 मिनट पे आया है, तो आवर हैंड थोड़ा सा आगे जाएगा, तो आपको ये वाला एंगल बताना है कितने डिग्री का है। एंगल आपसे ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको ये एंगल, अब देखिए यहां तक तो कितने डिग्री बनता है, अगर यहां पर आवर हैंड होता तो 180 डिग्री बनता, बिल्कुल अपोजिट है, लेकिन आवर हैंड जो है वो थोड़ा सा आगे गया, किसकी वजह से आगे गया, वो इस मिनट हैंड की वजह से आगे गया है। तो अपने को अब ये पता करना है, देखिए हमारा 187.5 डिग्री है, अब देखिए अपना जो कॉन्सेप्ट वो क्या कहते हैं, 3 to 9 तक कितने आवर हो गए, 6 आवर, कितने आवर हो गए, 6 आवर हो गए। 1 आवर में आवर हैंड कितने डिग्री टर्न करता है, 30 डिग्री टर्न करता है, तो 6 आवर में कितना करेगा,
180 डिग्री करेगा, कितना करेगा, क्योंकि यहां से लेकर ये अगर हम टाइम देखते हैं 9 to 3 सिर्फ, लेकिन आवर एंड तो अपना की वो बात की बात है, 9 to 3 का अगर हम चेक करते हैं तो अपना कितना आता है, 6 आवर का टाइम ड्यूरेशन आ रही है, उसमें 6 आवर में 1 आवर में 30 डिग्री, तो 6 आवर में 180 डिग्री बनेगा। अब देखिए, अब आपका जो आवर एंड है वो थोड़ा सा आगे है, आगे किसकी वजह से गया, वो उस मिनट हैंड की वजह से गया, तो कितने मिनट है, 15 मिनट है, 1 मिनट में कितने डिग्री बनाता है, हाफ डिग्री, तो 15 मिनट में कितना बनाएगा, 15/2 7.5 डिग्री। अभी 7.5 देखिए यहां पे प्लस करना है या फिर माइनस करना है वो देखिए, अगर यहां पे आपको पता है कि आपने जो एंगल ये 180 डिग्री निकाला वो यहां से यहां तक का निकाल लिया, लेकिन ये जो आपका हावर हैंड है ये थोड़ा सा तो आगे होगा, अब आगे किसकी वजह से हुआ, इस मिनट हैंड की वजह से हुआ है, ये वाला एंगल कितनी डिग्री आया, 7.5 डिग्री, तो कंप्लीट एंगल कितना हो जाएगा, 187.5 डिग्री। दोबारा समझिए, अब देखिए ये तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर हम इससे करें तो हमारी टाइम ज्यादा लग रहा है, अपने टाइम को कम करना है, स्पीड बनानी है, तो कैसे करेंगे देखिए, जैसे हम और अपना टाइम लेते हैं, छह बजकर पचास मिनट। देखिए आपको पता है कि 50 का मतलब यहां पे हम वॉच में देखते हैं तो 50 जो मिनट है वो कब होती है, 10 पे जाके होती है, कितने पे होती है, 10 पे होती है, 10 - 6 का जो डिफरेंस आया वो 4 आवर का आया होगा, 1 आवर में कितने डिग्री, 30 डिग्री, तो 4 आवर में कितना बना देगा वो, 120 डिग्री, कितना बनाएगा, 120। अब आपने देखा होगा प्लस या माइनस, प्लस या माइनस, अब 6:50 है और आपको एंगल इसमें मिनट का हाफ या तो प्लस होगा या माइनस होगा, देखिए अब यहां पे इस टाइम को देखिए, 6:50 बोलिए, ये 11 ये 10, तो मिनट हैंड 10 पे, हावर हैंड 6 पे नहीं होगा, वो 7 के पास में होगा बिल्कुल, तो ये वाला एंगल पता करना है, हमने जो ये एंगल 120 डिग्री निकाला है वो 6 to 10 निकाला है, 6 to 10 हमने ये निकाला है 120 डिग्री, लेकिन यहां पे जो हावर हैंड है वो तो 6 से आगे है, आगे वो किसकी वजह से हुआ, इस मिनट की वजह से आगे हुआ है, क्योंकि 6:50 बोला है, तो वो किसकी वजह से आगे हुआ है, इससे 10 मिनट की वजह से आगे हुआ है, तो 1 मिनट में कितने डिग्री टर्न करता है, हाफ मिनट हावर हैंड हाफ डिग्री, तो 50 मिनट में कितना करेगा, 50/2 25 डिग्री। अब देखिए ये वाला जो एंगल है वो कितना है, 25 डिग्री। अब ये देखिए टोटल तो 120 डिग्री था, ये 25 है, तो आपका ये एंगल निकल जाएगा, कैसे, इस 120 में से 25 है माइनस करके, तो 120 में से 25 हम माइनस करेंगे तो एंगल कितना आ जाएगा, 95 डिग्री, कितना आ जाएगा, 95 डिग्री। अब देखिए करना क्या होता है, जैसे 6:50 बोला है, 50 का मतलब क्या होता है, 10, 6 - 10 का डिफरेंस 4, कितने से मल्टीप्लाई करना है, 30 से, कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। अब प्लस या माइनस, इस 50 का हाफ, अगर ये हावर हैंड मिनट हैंड से छोटा है, हावर हैंड का जो ये 6 है और मिनट हैंड का जो 10 है, अगर हावर हैंड मिनट से छोटा है तो इसमें माइनस हो जाएगा, और अगर बड़ा है तो प्लस हो जाएगा, यहां पे छोटा है तो माइनस कर दें 50 का, प्लस का इक्वेशन देगी, जैसे यहां पे टाइम है 7:05, तो 7:05 का मतलब क्या होता है, 1, क्योंकि 5 मिनट कहां होगी, 1 पे होगी, चलो 10 कर लो इसको, 10 कब होती है, 2 पे, तो 7 - 2 का डिफरेंस कितना आया, 5 का, कितने से मल्टीप्लाई करना है, 30 से, कितना आ जाएगा, 150, प्लस या माइनस किसका, 10 का हाफ, ठीक है। अब देखिए प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, अभी हमने बताया था इसी क्वेश्चन पे, हमने देखा था अगर हावर हैंड मिनट हैंड से छोटा है तो माइनस, और हावर हैंड अगर मिनट हैंड से बड़ा है, अब यहां पे देखिए 6 था वो 10 से छोटा था तो हमने माइनस किया था, यहां पे 7 2 से बड़ा है तो हम यहां पे क्या करेंगे, प्लस करेंगे, 10 का हाफ कितना होता है,
फाइव, तो आंसर कितना आ जाएगा 155 डिग्री। तो एंगल कितने डिग्री का बनेगा 155 डिग्री। आगे देखिए, जैसे 8:20 तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से फास्टली। 20 का मतलब 4, 8-4 का डिफरेंस 4, कितने से मल्टीप्लाई 30 से, कितना आ गया 120 प्लस या माइनस 20 का हाफ। कैसे करेंगे, अगर 8 हाफ एंड मिनट एंड से बड़ा है तो प्लस, अगर छोटा है तो माइनस। तो 120 प्लस 10 इक्वल टू 130 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 130 डिग्री। नेक्स्ट इस क्वेश्चन पे अगर हम बात करते हैं, अब एंगल सिस्टम हमें पता लग गया। अब अगर कोई आपसे ये पूछे, एंगल टाइम आपने बता दिया कि 4:20 पे, 3:15 पे, कोई भी आपको अगर एग्जैक्ट मिनट दे रखे हैं, टाइम दे रखा है, तो एंगल निकालने का फॉर्मूला भी आपके पास है और शॉर्ट ट्रिक भी आपके पास में। अब देखिए, अगर ये टाइम आपकी एग्जैक्ट 5 से डिविजिबल मिनट में नहीं आता है, जैसे 3:16 16 मिनट पास 3 बोला है। अब देखिए यहां पे एग्जैक्ट 5 से डिविजिबल नहीं है, तो अब यहां पे हम सिर्फ फॉर्मूला ही यूज करेंगे, 60 × 3 11 × 16 / 2। यहां पे एक सिंबल होता है, इस सिंबल का मतलब क्या होता है, अगर यहां पे डिफरेंस इन दोनों का माइनस आए तो बाहर आके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 16 × 3 180 माइनस 11 × 16 176 / 2 4/2 = 2 डिग्री। तो उनके बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 2 डिग्री का बनेगा। कब, जब हमने ये एग्जैक्ट 5 डिविजिबल मिनट नहीं आई है, तो नहीं आए तो हम फॉर्मूला अपने पास में है, अब इसका हम अपोजिट कर देते हैं।